बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक की नई रेसिपी जो खाने में और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार है, और इसको हम 5-6 अंडों में ही 8-10 लोगों के लिए बना सकते हैं। अगर हमारे पास कम अंडे होंगे तो ये पूरे परिवार भर के लिए बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में ही भी बहुत मज़ेदार है। और चलिए फिर इसको हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से तैयार किए। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में 5 से 6 अंडे एक एक करके रख दी है, उसमें पानी डाला और एक एक करके अपने अंडों को उसमें डाल करके और इसमें ढक्कन लगा करके मैं इसको 1 सीटी आने तक बनाऊंगी और तुरंत गैस अपने फ्लेम को बंद कर दूंगी। और मैं 2 प्याज ले लूँगी, 1 टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन ले लूँगी और 8 से 10 काजू और मखाने ले लूँगी और सबको मैं एक साथ ग्राइंडर जार में डाल करके बारीक पेस्ट तैयार करूँगी। और अब मेरा ये पेस्ट एकदम बारीक तैयार हो गया, इसको मैं एक बाउल में निकाल करके रख लूँगी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होंगे, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब मैंने अपने अंडों को छील करके ले लिया है, इसको मैं सर्कल शेप में कट करूंगी इस तरीके से। बहुत ही आराम से कट करिएगा, इसकी जर्दी बाहर ना निकलने पाए। और मैं अपने अंडों को सर्कल शेप में कर दूंगी, देखने में भी बहुत अच्छे होंगे और इसके अंदर तक मसाले चले जाते हैं और इस पूरे परिवार भर के लिए ये हो जाता है खाने भर का। और अब मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन में ऑयल डाल दूँगी और अपने जो सर्किल करके अंडे रखी थी इसको मैं पूरे एक एक करके रख दूँगी। तब तक मैं इसको नहीं चम्मच से चलाऊँगी तब तक कि एक तरफ से लाल ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे लाल करना है, बहुत लाल नहीं करना है। मैं एक एक करके सारे अपने एक सर्किल को पलट दूँगी इस तरीके से। बहुत ही काम आराम से करना है। और अब मेरे हो गए हैं दोनों तरफ से फ्राई, और अब मैं इसको एक एक करके पूरा अपना बाहर निकालूँगी। ये कम अंडों में ही पूरे परिवार के बनकर तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से हमें रेड ब्राउन करना है। और सब और इसमें उसी फ्राई पैन में मैं 2 तेज़पत्ते डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी और 1 इंच के बराबर दालचीनी डालूंगी और जो अपने मसाले पीस करके रखी थी मैं उसको इसमें सब डाल दूँगी। और थोड़ा सा ढक के चलाऊँगी, उसमें नमक डाल दूँगी, लाल पीसी मिर्च डाल दूंगी, गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ पिसा और थोड़ी सी धनिया। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, थोड़े थोड़े सारे मसाले डालना है। और अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी, मटर थोड़ा सा चला करके ढक करके बनाऊंगी स्लो फ्लेम पे जब तक मटर हमारी गल ना जाए। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ये कोई भी मेहमान आ जाए इसको आप बना के रख सकते हैं, आपकी बहुत तारीफ होगी। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें 2 ही चम्मच टीस्पून होता है उसमें 2 चम्मच से मैं दही फेट करके रख ली थी, इसको दही भी डाल दूंगी। और अब मैं अपने एग जो बना करके रखी थी उसको इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर इसको थोड़ा धीरे से हाथ से चला करके। और अब मुझे क्या करना है कि इसमें मैं चलाती रहूंगी थोड़ी देर। और अब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके चलाना है डाल दूंगी और